सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर से माल गायब होने का मामला। सेंट्रल बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से खुले थे लॉकर। बैंकों के कुल 1142 बैंक लॉकर में से 507 आवंटित हैं। इनमें 306 लॉकरों को लॉकर धारक अब तक चेक कर चुके हैं। अभी 201 बैंक लॉकरों को ग्राहकों द्वारा चेक करना बाकी रह गया है। बैंक मैनेजर, लॉकर प्रभारी, गोदरेज लॉकर कंपनी के 4 लोग शामिल। पुलिस सभी लॉकर धारकों से लॉकर चेक करने की अपील कर रही है। पकड़े गए अभियुक्तों से पूरी विशेषज्ञता से पूछताछ की जा रही है। 9 दिसंबर 2021 को बैंक अधिकारियों ने खोले थे लॉकर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बैंक लॉकर में पैसा, लॉकर में से सामान गायब होने के मामले में अभी तक 3 FIR दर्ज हैं। इसके अलावा 6 अन्य लोगों से इस तरीके की शिकायत मिली है। अभी तक की जो जानकारी पुलिस ने की है, इसमें 4 संदिग्ध लोगों से पुलिस ने पूछताछ की है और लगभग पूरा घटनाक्रम पुलिस ने अनावरण किया है, जिसके तहत बैंक में जो ब्रेक ओपन की कार्रवाई होती है, यानी डोरमेंट लॉकर्स को तोड़ने की कार्रवाई होती है, उस समय अनधिकृत तरीके से बैंक के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत और लॉकर ब्रेक करने वाले कर्मचारियों की मिलीभगत से अनधिकृत तरीके से 9 से 8 लॉकर्स तोड़े गए और उसमें की नकदी गायब की गई और लॉकर तोड़ने वालों को लगभग 250 से 300 ग्राम सोना दिया गया जो अलग अलग ज्वेलर्स को बेचा गया है। ये इसकी पूरी बात को भी वेरीफाई किया जा रहा है। अन्य कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे इसको वेरीफाई किया जा रहा है। बहुत जल्द अगले 24 घंटे में इस सब चीज़ का वेरिफिकेशन करने के उपरांत पुनः मीडिया को जो नई जानकारी उपलब्ध होगी उसको आप सभी लोगों को ब्रीफ किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। जैसे आप सब लोग जानते हैं, लॉकर के अंदर कोई प्रवेश अनधिकृत तरीके से बिल्कुल नहीं कर सकता, कोई सामान बाहर नहीं जा सकता जब तक कोई स्पेशलाइज्ड वे में लॉकर को ब्रेक नहीं करता और उसको अलाउ नहीं करता। ये इम्पॉसिबल सी चीज़ है। अब किसका कितना इन्वॉल्वमेंट है ये देखने की बात। देखिए, जैसा मैंने बताया कि सब मिलाकर लगभग 2.5 करोड़ अभी तक का संज्ञान में आया है। ये घटना 9 दिसंबर की है, माने लगभग पूरे 4 महीने से ज्यादा का समय व्यतीत हो चुका है। अब इसका पता लगाया जा रहा है कि 4 ज्वेलर्स के नाम सामने आए हैं, उन लोगों ने उस सामान के साथ क्या किया, ये सब पूरा अग्रिम जांच का विषय है। बहुत जल्द हम इसमें रिकवरी के भी करेंगे। 4 लोगों में 3 जो लॉकर ब्रेक करने वाले कारीगर थे, जो एक तो उसमें अधिकृत तरीके से आया था, उसके साथ उसने 3 अन्य अनधिकृत तरीके से लोगों को लाया था, उसमें से 2 लोग, यानी ये 3 लोग हमारे पास पूछताछ के लिए बुलाए गए हैं और बैंक मैनेजर को भी पूछताछ के लिए हमारे पास। सर, एक बड़ा सवाल ये है कि हम ये कैसे तय करेंगे कि किसके लॉकर से कितना सामान गया। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।